भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे की पार्किंग में कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर बैठा था कि अचानक वहां लंबी कदकाठी वाले दो युवकों ने दहशत फैला दी। निज्जर पर तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग की जब तक वो मर नहीं गया। निज्जर के मर्डर का वीडियो अब अमेरिका के एक मीडिया हाउस के हाथ लगा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सिक्योरिटी कैमरे का हवाला देते हुए लिखा है कि निज्जर के मर्डर में कम से कम 6 लोग शामिल थे जो दो गाड़ियों से इस वारदात को अंजाम देने आए। निज्जर पर करीब 50 राउंड फायरिंग हुई जिसमें से 34 गोलियां उसे लगी। अमेरिकी अखबार का ये भी दावा है कि 90 सेकंड की इस वीडियो रिकॉर्डिंग का गहनता से रिव्यू करने पर पता चला कि निज्जर के मर्डर की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी। वीडियो में निज्जर के ग्रे पिकअप ट्रक को पार्किंग स्थान से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान एक सफेद सेडान ट्रक को ओवरटेक करती है और ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर देती है। तभी स्वेटशर्ट पहने दो आदमी ट्रक की ओर बढ़ते हैं। वहां से 100 यार्ड की दूरी पर गुरुद्वारे का एक वॉलंटियर भूपिंदरजीत सिंह फुटबॉल खेल रहा था। उसे आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि पटाखे फूट रहे हैं। तभी उसे ख्याल आता है कि गोलियां चली हैं और कहीं निज्जर को तो गोलियां नहीं मारी गई। जैसे ही भूपिंदरजीत सिंह ट्रक के पास पहुंचता है वहां खून और टूटा हुआ शीशा जमीन पर पड़ा था और निज्जर के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। निज्जर की हत्या के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। निज्जर को मारने वाले शख्स कौन थे इसका कनाडा सरकार अब तक पता नहीं लगा पाई है। निज्जर को भारत सरकार ने वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया था और निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। यहां तक कि भारत सरकार ने कनाडा सरकार को कई बार खालिस्तानी समर्थकों के मुद्दे को गंभीरता से लेने को कहा लेकिन कनाडा सरकार ने उसे अनसुना कर दिया और निज्जर सालों तक खुलेआम कनाडा में घूमता रहा। अब भी कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थकों का पक्ष लेती दिख रही है और भारत सरकार पर गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं। लेकिन निज्जर मामले के अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही कनाडा सरकार की सोच बेनकाब हो पाएगी।